अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक कप पाउडर मिल्क ले लेंगे, आप कोई सा भी अच्छे ब्रांड का ले लें। मैंने यहाँ पर नीडो का लिया है। 2 टेबल स्पून मैदा, 2 टेबल स्पून सूजी, 2 टेबल स्पून इसमें घी का जाएगा, मेल्टेड आपने मेल्ट कर लेना है घी को। 2 टेबल स्पून इसके अंदर अंडा लेंगे, 1/4 कप दूध, 1 कप चीनी, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है आपने। बेकिंग सोडा नहीं इसमें इस्तेमाल करना, आपने बेकिंग पाउडर लेना है। और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे और 3 से 4 अदद हम साबुत इलायची। हम पहले मिल्क पाउडर ले लेंगे, इसमें मैदा, सूजी, टेबल स्पून अंडा, 2 टेबल स्पून घी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको दूध से थोड़ा थोड़ा अपने दूध को डालते जाना है और इसको एक सॉफ्ट हमने डो बना लेनी है। ऐसे आपने सॉफ्ट डो गूंद लेनी है। इसमें पूरा 1/4 कप इसमें दूध का गया है। इस तरह आपकी ये डो होनी चाहिए। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 7 इलायची पाउडर भी इसमें शामिल किया था गूंदते वक्त। 2 कप मैंने पानी ले लिया है। इसके अंदर 1 कप हम चीनी का डाल देंगे और 4 अदद जो साबुत इलायचियां ली थी ये आप तोड़कर डाल देंगे। मीडियम आंच पर रखेंगे। अब मैंने ये पहले डाल के देखा है, इस तरह आपके हल्के हल्के बबल आने लगे। लो फ्लेम पर आपने इनको डालते जाना है बॉल्स को। अब देखिए हमारे इसको भी चाशनी को पकते हुए ये देखिए घुल गई है इसकी चीनी। आपने ज्यादा इसको नहीं पकाना, बस इस तरह ही इसको रखना है वो फ्लेम पर, जब तक हमारे बॉल्स रेडी नहीं हो जाते। अब ये देखिए हम अपने ये गुलाब जामुन को साथ साथ इसको हम हिलाते जाएंगे और इनको मतलब चारों तरफ से आपने कलर देना है। इस तरह आप घुमाते जाएं, पलटाते जाएं, यूं यूं करके। अब देखें हमारे गुलाब जामुन का रंग हो गया है ब्राउन। इस तरह आपने कर लेना है, ये देखें इस तरह। अब ये मैं चाशनी में डाल दूंगी। अब हम इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट पका लेंगे। इस तरह ढककर आपने 10 मिनट पका लेना है। अब हमारे गुलाब जामुन को बनते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं जो लो फ्लेम पे मैंने रखे थे, ये देखें। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये माशाल्लाह फूल भी गए हैं और इसने चाशनी को अब्सॉर्ब भी कर लिया अपने अंदर, ये देखें। माशाल्लाह कितने अच्छे बने हैं हमारे गुलाब जामुन। तो अब चलें इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स ये थी आज की मेरी रेसिपी मज़ेदार से यमी से गुलाब जामुन की। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद लगेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बनते हैं, ये देखें। ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है
और अगर मेरे चैनल आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके व्यूवर्स, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।